मेगा स्कोर जेनेसिस में मेगा स्कोर बनेगा। देखो क्या बता रही, मैंने आपको बताया है कि जैसे मेल के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बनते थे, माइक्रोस्पोर्स बनते थे, और माइक्रोस्पोर्स से क्या बनते थे, मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट को हम पॉलन ग्रेन बोलते थे, ठीक है। ऐसे ही मेगा स्पोर फॉर्म होंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से, और मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से जो मेगा स्पोर बनेंगे उससे फ्यूचर में क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सैक बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का फोकस यहाँ होना चाहिए, अब देखते हैं आगे। अच्छा देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था लाइक ओव्यूल के अंदर, मैंने ओव्यूल का डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। तो ओव्यूल के अंदर यहाँ पे कहीं न्यूसेलस था, न्यूसेलस, अच्छा न्यूसेलस की अंदर एक सेल ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं आर की स्पोरियल सेल, इसको क्या बोलेंगे हम, आर की स्पोरियल सेल बोलेंगे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बता रखा आर की स्पोरियल सेल, आर की स्पोरियल सेल से सेल के अंदर ना डिवीजन होगा और बनेगी एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फ्यूचर में क्या बना देगी, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। समझ में आया, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। कहाँ डिस्कस कर रहे थे हम, एमएमसी के बारे में, जब मैं आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल बता रहा था जो कि पीएमसी था, जो क्या बना था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बना था, पीएमसी बना था, है ना। और पीएमसी बना था, मैं यही बता देता हूँ आपको साइड में, जो पीएमसी बना था माइक्रोस्पोर मदर सेल में, उस पीएमसी से क्या बनते थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते थे ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राइड से माइक्रोस्पोर बनते थे, ठीक है। और पीएमसी कहां से बनता था, ये बनता था स्पोरोजिनस टिश्यू से, स्पोरोजिनस टिश्यू से, ठीक है ना। ऐसे ही ये है मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, इसमें अब क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था माइटोसिस, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये बस मोडिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोडिफिकेशन हो रहा है इसके अंदर, मोडिफिकेशन। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से मोडिफिकेशन होकर क्या बन जाता है, मेगा स्पोर मदर सेल बन जाता है, और मेगा स्पोर मदर सेल से फिर बनेगा एक डियार्ड सेल, ठीक है ना। मतलब मेगा स्पोर मदर सेल अगर यहाँ पे डिप्लॉइड है तो यहाँ पे एक डियार्ड इस तरह का बनेगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल का, ठीक है। इसके बाद डियार्ड सेल से बनेगा टेट्राड। मैं आपको बता दूं, फीमेल जो गैमेट बनते हैं उसके दौरान जो ये प्रोसेस हम देख रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की, इसमें जो मेगा स्पोर टेट्राड है ये सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा जिसको कि हम बोलेंगे लीनियर टाइप। क्या बोलेंगे, लीनियर टाइप का बनता है। अच्छा इस तरह के टेट्राड को हम बोलेंगे लीनियर टाइप, ठीक है ना, समझ लेना इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर टाइप। अच्छा यहाँ तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे बनेंगे मेगा स्पोर्स, समझ में आ गया, यहाँ पे मेगा स्पोर बन गया। अच्छा तीन इसमें से डीजनरेट हो जाएंगे और एक ही फंक्शन रहेगा, वो बात मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रखें कि मेगा स्पोर टेट्राड बना कैसे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, आर की स्पोरियल सेल कहाँ मिली है, न्यू सेलस के अंदर, न्यू सेलस के अंदर आर की स्पोरियल सेल में माइटोसिस होता है, एक सेल तो बन जाती है क्या, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या फॉर्म कर देती है, मेगा स्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है फिर, मियोसिस होता है, मियोसिस, ठीक है ना, मियोसिस। मतलब यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस वन, और फिर यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस टू। अच्छा म्यूसिस वन और म्यूसिस टू तो अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हो रही है, बस यहाँ पे एक क्लीवेज आ रहा है, ठीक है ना। और जिस टाइप का यहाँ पे टेट्राड बनेगा फीमेल के अंदर उसका नाम क्या है, लीनियर टेट्राड, ठीक है ना, एक लीनियर टाइप का बन गया। अच्छा आर की स्पोरियल सेल में एक सेल तो हमने यहाँ देखा कि प्राइमरी स्पोरियल सेल बन गई है, दूसरी सेल जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पे प्राइमरी पेराइटल सेल, पेराइटल, ठीक है ना, प्राइमरी पेराइटल सेल बनेगी, और प्राइमरी पेराइटल सेल क्या फॉर्म करती है फ्यूचर में, एक लेयरिंग फॉर्म कर देगी एम्ब्रियो सैक के अराउंड, एम्ब्रियो सैक के अराउंड। अब डायग्राम देख लीजिए आप लोग, देखो भाई यहाँ पे ये न्यूसेलस की सेल्स हैं, इसके अंदर एक है
मेगा स्पोर मदर सेल यहाँ बना, जो कि मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये डियार्ड बन गया, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बन गया, डियार्ड सेल बन गया, जो कि मैंने यहाँ बताई थी आपको, इधर इधर मैंने आपको बताई डियार्ड सेल बना है, और डियार्ड से फिर क्या बन गया, टेट्राड बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोसेस थी आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस की। एक जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया पेराइटल सेल का, वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, आप बस ये याद रखें, जो यहाँ पे एक ये जो स्ट्रक्चर बनी है, चारों तरफ सेल्स बन जाती हैं उसकी, पेराइटल सेल्स की, ठीक है ना। पेराइटल सेल्स चारों तरफ बस एक लेयर फॉर्म कर देता है, एक लेयर फॉर्म कर देता है पेराइटल सेल्स, ठीक है, एक लेयर फॉर्म कर दिए पेराइटल सेल्स ने, पेराइटल सेल्स ने। और अंदर में जो ये टेट्राड है, इसमें से ऊपर की तीन सेल क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, और एक जो सेल है ये ही फ्यूचर में क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सैक बनाएगी, यही क्या बनाएगी फ्यूचर में, एम्ब्रियो सैक बनाएगी। और क्योंकि ये सेल अभी इन पेराइटल सेल के अंदर है, तो इसलिए यहाँ में ये लिखा हुआ है कि ये क्या फॉर्म करेगा, एक लेयरिंग फॉर्म करेगा, किसके अराउंड, एम्ब्रियो सैक के अराउंड। अब एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म होता है, ये प्रोसेस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, पूछिए। हेलो, सर, जो 3 सेल्स डीजनरेट हुए हैं उनके अराउंड जो पैराइटल लेयर है वो बाद में कोलैप्स होती होगी। कोलैप्स मीन्स, कोलैप्स कैसे हो जाएगी, देखो बस लेयर फॉर्म हुई है आपस में ऐसे, जैसे कि आप यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो न्यूक्लियस की लेयर देख रहे हो ना आप यहाँ पे, अरे यहाँ पे जो आप ये लेयर देख रहे हो न्यूक्लियस की, अरे ये पेन क्यों नहीं काम, देखो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो माउस की पॉइंटर दिख रहा है, जैसे न्यूक्लियस की सेल्स है चारों तरफ, ऐसे ही पेराइटल सेल आ जाते हैं चारों तरफ, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर में बताया है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ऊपर में बताया है। सो आई होप यहां तक सभी को समझ में आया है। अब सुनो इसके बाद आगे, इसके बाद नेक्स्ट है, अब हम पढ़ रहे हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट होगी किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है ना, यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट पैदा होगा। तो देखिए, हाँ जी चलिए, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी, फीमेल गैमेटोफाइट की। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, देखो मैं रिकैप कराता हूँ दोबारा से रिकैप करते हैं। मैंने आपको मेल के अंदर क्या बताया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बनते हैं आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, कोई बात नहीं, माइक्रोस्पोर बन गए, और माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो दोबारा समझा रहा हूं मैं, इसके बाद ऐसे ही फीमेल के अंदर चलती है प्रोसेस कौन सी, मेगा स्पोरो जेनेसिस, और मेगा स्पोरो जेनेसिस से क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि देखो यहाँ पे तो चार मेगा स्पोर बने थे और चारों के चारों फंक्शन थे यहाँ पे, लेकिन सिर्फ एक ही फंक्शन रह जाता है, ठीक है ना, वो बात मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे विद इन अ मिनट, ठीक है। अच्छा, तो मेगा स्पोर बना, और मेगा स्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अब हमें ना यही प्रोसेस पढ़नी है कि मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, यही प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं नीचे, ठीक है। और फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक बोल सकते हैं, इस क्या बोल सकते हैं हम, एम्ब्रियो सैक, जैसा कि मैंने नीचे बता रखा है, क्या बोल सकते हैं इसको हम, एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है, जो मैंने यहां पे रिकैप कराया है और अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ी, बताइए। हेलो, नो सर। ठीक है, थैंक यू, आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होगा इस प्रोसेस में किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का। तो वो ही हम देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। तो देखिए बच्चों, यहां तक तो हमने बात कर ली थी, ठीक है, इसके बाद चार में से तीन क्या हो गए, यहाँ पे डीजनरेट हो गए हैं, और एक फंक्शनल मेगा स्पोर है यहाँ पे नीचे। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसके अंदर आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, माइटोसिस वन हो गया, मतलब एक बार माइटोसिस हो गया, ठीक है,
फिर से माइटोसिस हो रहा है, मतलब तीन बारी माइटोसिस हो गया। और तीन बारी माइटोसिस होने से क्या रह जाए, देखो जैसे कि एक सेल से दो सेल बनती है, दो से क्या बनती है चार बनती है, चार से क्या बन गई आठ सेल्स, तो एट सेल्स बन गई। अच्छा अब जो ये माइटोसिस और मियोसिस है, मैंने आपको बताया था स्कूल में, माइटोसिस और मियोसिस जो है ये टाइप है किसके, कैरियोकाइनेसिस के। ये किसके टाइप है, कैरियोकाइनेसिस के। तो मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब देखो कितने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पे बताना, एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बन गई। क्या बन गई, एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुकी है। अब आठ न्यूक्लियस जो यहाँ पे बने हैं, एक न्यूक्लियस यहां से एक न्यूक्लियस यहां से बीच में आ जाएगा और फ्यूज कर जाएंगे न्यूक्लियस, क्या कर गए फ्यूज कर गए। अब देखो कोई न्यूक्लियस जो पहले फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी न्यूक्लियस बोलेंगे। ये जब प्राइमरी न्यूक्लियस दोनों फॉर्म होके एक नया न्यूक्लियस बनाएंगे उसी को तो हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, पहले प्राइमरी क्लास आती है, फिर सेकेंडरी आती है, फिर सीनियर क्लास आती है, आती नहीं आती, समझ गए। तो प्राइमरी से ही क्या बनेगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी। अच्छा अब क्योंकि मुझे पता था कि ये जो मेगा स्पोर है ये हैप्लॉइड था, और हैप्लॉइड में जब माइटोसिस होगा तो ये भी क्या होगा हैप्लॉइड, ये भी क्या होगा हैप्लॉइड, तो सभी न्यूक्लियस क्या है, ये सभी अंदर के हैप्लॉइड है, ठीक है। अच्छा अब जब ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेंगे तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगी बताइए, सेकेंडरी, हाँ डिप्लॉइड हो जाएगी ना, इज दैट सिंपल। तो समझ में आ गया बच्चों कैसे कैसे फॉर्म हुआ ये जो स्ट्रक्चर बना है। अच्छा ये जो लास्ट में स्ट्रक्चर बना है इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, इसी को हम क्या बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के लिए दूसरा नाम क्या बताया था अभी मैंने बताइए, हाँ जी फीमेल गैमेटोफाइट। तो उसके मैंने दूसरी स्ट्रक्चर यही बताई थी, फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा दूसरा नाम मैंने यही बताया था। अब फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर क्या है इसको भी हम आज ही डिटेल में जानेंगे, ठीक है, इसी को भी हम आज ही जानेंगे, ठीक है बच्चों। फिलहाल ये सब पता चलेगा कैसे कैसे बना है, माइटोसिस हुआ है तीन बारी, ठीक है, और फिर ये पोलर न्यूक्लियस बीच में आकर के फ्यूज हो गए हैं और फिर बन गया सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पे बीच में, ठीक है ना। ये जो न्यूक्लियस है सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये डायग्राम में यहाँ गलत दिखा रखे, गूगल से मैंने डायग्राम लिया है, गलत है, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस ये बना है, ठीक है ना। और ये जो ऊपर में है तीन, ये क्या बने हैं, ये बने हैं आपके एंटीपोडल सेल्स। खैर ये बातें मैं अभी आपसे थोड़ी देर में करूंगा फीमेल गैमेटोफाइट के रिगार्डिंग, की फीमेल गैमेटोफाइट क्या है। फिलहाल यहां तक समझ में आ गया कैसे कैसे मेगा स्पोर में आगे काम चलेगा और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा। हालांकि इस फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को डिटेल में मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। अभी यहां तक आप ये बताइए, अच्छा इसको मैं और सिंप्लीफाई वे में आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों सबसे पहले क्या था, मेगा स्पोर टेट्राड था, नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेगा स्पोर टेट्राड में से सिर्फ एक ही फंक्शन टेट्राड रह गया था, सिर्फ एक। मेगास्पोर टेट्राड में कितनी सेल थी, चार थी, तीन क्या हो गई डीजनरेट हो गई थी, एक फंक्शन मेगास्पोर रह गया था। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तीन माइटोटिक डिवीजन हुए थे अगर आपको याद हो तो, है ना। तीन माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बना था, एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बनी थी। एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या हुआ, एक सेकेंड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ था। सेकेंड न्यूक्लियस कैसे फॉर्म हुआ था, जब दोनों पोल्स से एक एक न्यूक्लियस आके बीच में क्या हो गए फ्यूज हो गए, तब जाकर के सेकंड न्यूक्लियस फॉर्म हुआ था, ठीक है। अच्छा इसके बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सेकंड न्यूक्लियस, अब जो न्यू स्ट्रक्चर बनी है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको मैंने बोला एम्ब्रियो सैक, वो एम्ब्रियो सैक एक्चुअल में सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया बच्चों, अच्छा सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है कैसे ये वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, सेवन सेल और एट न्यूक्लियस है कैसे कैसे उसमें। तो देखो सात सेल कौन कौन सी उसके अंदर, सात सेल उसके अंदर है। देखो एंटीपोडल सेल्स कितने हो जाएंगे उसके अंदर, थ्री। सिनर्जिड्स कितने थे, टू। फीमेल गैमेट कितना था, एक। सेंट्रल सेल कितना है, एक, ठीक है। एट न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं, तीन है एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस, दो है सिनर्जिड सेल के न्यूक्लियस, एक है फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस, दो है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, जो सेंट्रल सेल का है। अच्छा डायग्राम और देख लेते हैं, देखो बच्चों डायग्राम देखिए आप यहाँ पे। तो देखो यहां समझा देता हूँ, एंटीपोडल सेल्स कितनी है, थ्री है, आप देख सकते हो यहाँ पे, वन टू और थ्री। अच्छा कौन से एंड पे मिलती है ये, चैलेजल एंड पे मिलती है, ठीक
ठीक है, अभी मैंने बताया था जैसे कि एंटीबॉडी सेल्स कौन से एंड में मिलेंगी, चेलेजल एंड पे मिलेंगी, एंड चेलेजा इज व्हाट यू ऑल नो अबाउट दिस, ठीक है, और सिनर्जिड्स कहाँ मिलते हैं, माइक्रोपिलर एंड पे मिलते हैं। ये सब मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। और फीमेल गैमेट कहाँ मिलता है, माइक्रोपिलर एंड पे मिलता है अगेन, और सेंटर सेल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे आपने चेलेजा देखा, चेलेजल एंड पे तीन सेल देखी एंटीपोडल, अच्छा पोलर न्यूक्लियस में आपने देखे दो न्यूक्लियस है यहाँ पे, एक और एक दो, लेकिन ये न्यूक्लियस है किसके, ये जो पूरी सेल है ना, बड़ी सी, ये जो बड़ी सी पूरी सेल है इसी का पार्ट है ये, ठीक है, इसी का पार्ट है बच्चों, अच्छा इसके बाद इसी का हिस्सा है। और सेंटर सेल आपने देख लिया, सेंटर सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, दो, लेकिन सेंटर सेल अकेली कितनी है, वन। अब देखो तीन सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, कितनी सेल हो गई, चार, और दो सेल सिनर्जेड हो गए, सिक्स, और एग सेल एक और, सेवन, तो सेवन सेल हो गए, सेवन सेल हमने पढ़ ली यहाँ पे, ठीक है। और आठ न्यूक्लियस कैसे कैसे हो जाएंगे, देखो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, देखो तीन तो ये हो गई एंटीबॉडी सेल के न्यूक्लियस, ठीक है, अच्छा सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस हो गए, एग सेल का एक न्यूक्लियस हो गया, सिनर्जिड के दो हो गए, टोटल करो टू प्लस टू फोर, प्लस वन फाइव, प्लस थ्री एट, तो हो गया ना सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे सेंट्रल सेल किसको शो किया है, उसकी मेम्ब्रेन कहाँ पे है, देखो यही है पूरी मेम्ब्रेन इसी की, यही है, देखो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ क्या हुआ था, मेगा स्पोर जो हमारा फंक्शन था उसके बीच में पहले एक न्यूक्लियस था, ठीक है, माइटोसिस के बाद क्या हुआ था, दो न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे जो कि अपोजिट पोल पे पहुंच गए थे, है ना, अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ था, चार न्यूक्लियस, एक दो तीन चार, चार इसके और चार इसके, एक दो तीन चार हो गया। अब यहां से एक एक न्यूक्लियस आता है सेंटर में, आता है ना, और वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है, और ऊपर में कितने रह गए थे, तीन रह गए थे, और नीचे में क्या रह गए, तीन, समझ में आया। तो पहले तो ये न्यूक्लियस थे, लेकिन इस इन जो ये अंदर न्यूक्लियस बने हैं ना, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स आ जाती है बाद में, जैसे ये मेम्ब्रेन आ गई, एक दो तीन सेल्स से अलग बना दी, और ये जो तीन सेल्स यहाँ बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। ऐसे ही नीचे में एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई, इसको सिनर्जिड बोलते हैं। मतलब पहले तो ये न्यूक्लियस ही थे, जैसे पहले तो न्यूक्लियस का ही डिवीजन हुआ था, उसके चारों तरफ एक लेयर आ गई थी बस अंदर में, मतलब कि सेल के अंदर सेल बनी है, समझ में आ गया, सेल के अंदर सेल बनी है, ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद अच्छा समझ में आ गया ना बच्चों कैसे कैसे बना था। अब जो ये सेंट्रल सेल था ना, उसी के जो बीच के न्यूक्लियस है, इसलिए उनको बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियस जो है ना, ये इस सेल के, जो मैंने अभी बड़ी सी सेल बनाई है, लेकिन इसके अंदर तीन सेल और फॉर्म हुई थी, दो सेल यहाँ फॉर्म हुई थी, एक सेल यहाँ फॉर्म हुई थी, समझ में आ गया। तो ये वाली सेल है जो पहले क्या थी, जो पहले क्या थी आपका मेगा स्पोर थी, समझ में आ गया यहाँ पे, क्लियर है, बताओ अगर अभी भी कोई डाउट है ना तो मेरे से पूछ लो, ठीक है, बाद में दिक्कत होगी, फिर डाउट पूछिए अभी, क्योंकि क्लास तो मैं बहुत बड़ी करने वाला हूँ, ये कोई डाउट नहीं है, आगे चलें फिर। सर एक बार ये फिलीफॉर्म अपैरेटस, हाँ हाँ ये मैं अभी समझाऊंगा। अब देखो यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हो, अभी तक मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा दिया है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया है मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ा दिया है, फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया एम्ब्रियो सैक के, स्ट्रक्चर कैसी होती है आपके सामने दिख रही है, ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, और ये एक सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, अच्छा अब देखो अब आगे पढ़ते हैं। अब दो और टॉपिक है आपके इसमें, एक तो है फिलीफॉर्म एपरेटस, तो वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, तो सुनिए
देखो बच्चों, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस एक स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग है, ठीक है, जो कि कहां पर मिल रही है? माइक्रोपाइलर टिप पे मिल रही है। किसके अंदर? सिनर्जिड्स के अंदर। किसके अंदर मिल रही? सिनर्जिड्स। अच्छा, एक और चीज है जो डिफरेंस, देखो, जो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन सिनर्जिड्स एंड एग सेल, वो क्या है? तो सुनिए ध्यान से, जैसे कि ये है सिनर्जिड और इसके बीच में है यहाँ पे कहीं एग सेल, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं बीच में एग सेल है। तो एग सेल और सिनर्जिड्स एक जैसे लगते हैं, बस डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि सिनर्जिड के अंदर तो वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, सिनर्जिड्स के अंदर क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं, और एग सेल के अंदर वैक्यूल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि सिनर्जिड के अंदर न्यूक्लियस तो होगा, वो तो एग सेल के अंदर भी होगा, वो तो सिनर्जिड के अंदर भी होगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये है कि सिनर्जिड के अंदर वैक्यूल भी मिलेगा। क्या मिलेगा? वैक्यूल। ये बात याद रखनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। सिनर्जिड के अंदर एक और चीज मिल रही है जो कि एक सेलुलर थिकनिंग है, जिसको कि हम बोलते हैं एग, सॉरी, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको हम? फिलीफॉर्म एपरेटस। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, एक सेलुलर थिकनिंग बना रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। सेल से ही बनी हुई है इसलिए सेलुलर बोला गया है, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है? एक तो ये एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। किसके एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन में? वो मटेरियल जो कि कहां से मिल रहा है इसको? न्यू सेलस से मिल रहा है। न्यू सेलस क्या है तो आप जानते होंगे, ठीक है ना, न्यू सेलस। न्यू सेलस से कहां भेज रहा है उसको? एम्ब्रियो सैक के अंदर भेज रहा है। दूसरा, ये गाइड करता है किसको? पोलन ट्यूब को गाइड करता है, ठीक है ना, सिनर्जिड के अंदर से। जैसे कि मान चलिए यहाँ पे ये सिनर्जिड है और यहाँ पे ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, तो अगर कोई भी पोलन ट्यूब आ रही है, कोई पोलन ट्यूब आ रही है, तो उसको ना गाइड करेगा, ये यहाँ से एंट्री करवाएगा उसकी, समझ गए, पोलन ट्यूब की एंट्री कराएगा। अब पोलन ट्यूब आती कैसे कैसे है अंदर, वो चीज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है ना, वो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है, मतलब पॉलिनेशन के बाद की इवेंट है। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद सर, ये फिलीफॉर्म एपरेटस भी रिपीटेड माइटोसिस से बना होगा? नहीं, ये बस सेलुलर थिकनिंग है, बस यहाँ पे सेल की ना मोटाई फॉर्म हो गई, मोटाई से बनाए, एक रिज, एक नाली की तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गई है, लाइक यहाँ पे ना एक गाइड फॉर्म हो गया है, एक रास्ता मिल गया है जो सिनर्जिड के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके बाद और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इसके बाद आगे देखिए, एक और टॉपिक आता है आपका एग एपरेटस। तो बता देता हूँ एग एपरेटस बनता कैसे कैसे है। एग एपरेटस बन रहा है एग सेल से, फिलीफॉर्म एपरेटस से और सिनर्जिड से। इन तीनों से मिलकर के आपका एग एपरेटस बनता है। अब देखिए, क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड का ही एक हिस्सा है, तो कुछ बुक्स में सिर्फ ऐसे भी लिखा हुआ है कि एग सेल और सिनर्जिड मिलके आपका एग एपरेटस बना देते हैं, लेकिन मैंने आपको एक खोल के बताया है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो एग एपरेटस और फिलीफॉर्म एपरेटस में अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो बता दोगे? यस सर, ठीक है। इसके बाद ये आपकी स्लाइड ओवर हो चुकी है और कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है वो मैं आपको कल दूंगा, ठीक है। फिलहाल और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पूछिए। नहीं,